बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुहम्मद नुमान कयूम। तुसी देखदे पए हो गंदारा हिंको टीवी। अज दी ताज़ा खबरां, वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने दूसरा मिनी बजट कौमी असम्बली पेश कर दिता वे। छोटे कारोबारी इदारियां ते टैक्स अदा कर दिता गया वे। फाइलर दी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ते विथहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिता गया वे। गरीबों वास्ते कार शादी हाल ते टैक्स विच कमी। छोटे शादी हालां ते टैक्स 20,000 से घट करके 5,000 रुपये कर दिता गया वे। इसी तरह कारां वास्ते कर्ज़े हसना स्कीम भी मुतारिफ कराई गई है। वफाकी वजीर खजाना ने बताया कि 1 जुलाई से बैंकिंग आमदन ते सुपर टैक्स खत्म किया जाता पियावे, जबकि कारपोरेट इनकम टैक्स ते 1% सालाना कमी बरकरार रहसी। और दरमियानी सतह की कंपनी को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा टैक्स उसके ऊपर। छोटे घरों के लिए कर्जे देंगे, उसके ऊपर भी जो आमदनी पर टैक्स है वो 39% से कम करके 20% कर रहे हैं। 5 अरब रुपए का कर्ज हसना की स्कीम हम ला रहे हैं। 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था, 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। न्यूज प्रिंट के ऊपर जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है, हम उस पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून दी मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने किया वे कि अपोजिशन हकूमती मिनी बजट नू मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए। हकूमत की तरफ से पेश करदा मिनी बजट के बाद मीडिया नाल गलकत करते हुए मरियम औरंगजेब ने किया कि हकूमत ने मिनी बजट से नॉन फाइलर्स ते टैक्स चोरों नू फ्री पास दे दिता वे। तर्जुमान ने किया कि मिनी बजट के बाद टैक्स चोरों ते ब्लैक इकानमी की कानूनी इजाजत दे दी गई है। लेकिन आज बच्चे को माँ दूध नहीं दे सकती क्योंकि दूध बच्चे के दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। ये ब्लैक इकोनॉमी को फ्री पास देने का बजट है, लेकिन ऑपोजिशन आराम से ये बजट ना पास होने देगी। पीटीआई दी पार्लिमानी पार्टी दे इजलास इज वजीर आजम इमरान खान ने किया कि अपोजिशन जमातों के मुतालबे ते साने साहिवाल दा जुडिशल कमीशन बनाने नू तैयार हाँ। अपोजिशन चाहे तो जुडिशल कमीशन वसे अपने लोग भी नामजद कर सकती है। इमरान खान ने किया कि यह इंसानी अलमियावे ते असी इस नू एक मिसाल बरासियां। इमरान खान ने किया कि साहिवाल वाकये दे हवाले नाल कतर सी भी मैं अपडेट लैंदा रहा हाँ। साहिवाल वाकये मुलविस अफराद नू कैफर किरदार तक पहुँचासियाँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया वे कि पाक फौज ने सऊदी फौज की सलाहियत वधाने वास्ते जिम्मेदारी के तौर पर मुआवनत की है। पाक फौज के शोबे तालुकाते आवा ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की शाही फौज के वफद का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाद बिन हामिद की कयादत GHQ का दौरा किया, जिथे सऊदी जनरल नू गार्ड ऑफ आनर पेश किया गया, जबकि उन्होंने यादगारी सौदा ते फूलों की चादर भी चढ़ाई। कौमी असम्बली कायदे हिजबे इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने साने साहिवाल ते वजीर आजम इमरान खान ते वजीर आला पंजाब उस्मान बरदार के इस्तीफे का मुतालबा कर दिता है। स्पीकर असद कैसर की सरबराई कौमी असम्बली का इजलास शुरू होया तो कायदे हिजबे इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने नुकता एतराज ते किया कि JIT रिपोर्ट नू मंजर आम ते नहीं लियाया गया, पंजाब हुकूमत नू गलत बयानी ते वजाहत पेश करनी चाहिए। We can't even respond to the national call without Prime Minister's permission. WhatsApp पे हर चीज की इजाजत लेते हैं, इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आजम को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुजदार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ते गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की सदारत APEX कमेटी का इजलास होया। इजलास इस साबिक फाटा के 7 नवे इजला वसे अबूरी इंतजाम कल अदम करार देने के हवाले नाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिता गया। 7 नवे इजला बिशमोल 6 फ्रंटियर रीजनस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की वसे मुतादित फैसले किए गए। इजलास 17,000 इजाफी असामियां पैदा करने की भी मंजूरी दी गई, जिड़ी के तमाम इजला दे आबादी के तनासुब नाल तकसीम कीतियां जा सन ते जिन्हां ते मकामी लोगों नू भर्ती किया जा सी। गंदारा इनको अकैडमी ने हिंको जुबान के सूफी शायर अहमद अली साई की 1,000 से ज्यादा हरफियां नू बनवान गंजीना साई की सूरत जमा करके मुरतब कर लिता वे, जिससे साई का मतबूआ ते गैर मतबूआ दोनों कलामों नू मौजूआत के एतबार नाल तरतीब दिता गया वे। गंदारा हिंको अकैडमी के कंप्यूटर साइंस और IT सैक्शन के तहत बढ़ने वाली बच्चों की हिंको सीखने की एंड्रॉयड ऐप ते तेजी नाल काम जारी है। अनकरीब इस ऐप नू गंदारा हिंको बोर्ड के तहत लॉन्च किया जा सी।
پشور دے تاریخی بازار کی سخوانی 23 اپریل 1930 رونما ہونے والے اندوناک تے دلخراش تاریخی واقعے تے ہن کو زبان دے نامور شاعر ادیب تے محقق نذیر بھٹی نے ایک ناول بعنوان شام علم تحریر کی تاوی جیرا حال ہی جی گندارے ہن کو اکیڈمی دے تحت چھپ کے منظر عام تے آ گیا وی ناول نہ صرف ادبی لحاظ نال مصنف دی اکم دا کاوش ہے بلکہ حقیقت دے بھی بہت زیادہ قریب ہے مقبولہ کشمیر برفانی طوفان نے ایک ہی خاندان دے دو افراد دی جان لے لی تھی جدکہ دو افراد لاپتہ ہوں مقبوضہ کشمیر دے ضلع رمبان وچ برفانی طوفان نے تباہی مچا دی تھی برفانی تودا تہنے نال ایک ہی خاندان دے دو افراد جاں بحق ہو گئے جدکہ دو افراد تاحال لاپتہ ہوں ریسکیو اداریاں نے امدادی کام دا آغاز کردے ہوئے برف دے تلے دبے ہوئے دو افراد دی لاشاں برآمد کر لیتی ہوں جنہاں چ ایک لاش 12 سالہ کڑی دی ہے جدکہ دیگر دو افراد دی تلاش دا کام جاری ہے اس دے نال ہی اج دی خبراں ختم ہوئیاں نویں خبراں نال وقت حاضر ہوسیاں اللہ حافظ